नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रक्त वर्षा या ब्लड रेन, जैसा कि लिखा हुआ है रक्त वर्षा। पहले ये भ्रम आप लोग दूर कर लीजिए कि रक्त वर्षा में रक्त या ब्लड की बारिश नहीं होती है, बल्कि बारिश की बूंदों का रंग लाल भूरे रंग का कुछ इस तरह से प्रतीत होता है कि दूर से देखने में हमें लगता है कि रक्त वर्षा हो रही है। और इनकी प्रवृत्ति के आधार पर भी इन्हें रक्त वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये वर्षा हानिकारक स्वरूप की होती है। तो आज हम रक्त वर्षा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक उदाहरण के साथ। उदाहरण यह है कि इटली में रक्त वर्षा अत्यधिक देखी जाती है, तो इसलिए हम इटली के उदाहरण के साथ साथ देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे कि रक्त वर्षा के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए। तो इस मैप को पहले समझ लेते हैं। ये यूरोप महाद्वीप है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और ये छोटा सा इटली का द्वीप है सिसिली। ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसके तटवर्ती देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट या मिस्र। और ये पूरा क्षेत्र सहारा मरुस्थल है, सहारा रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब यहीं से हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ से हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को कहा जाता है सिराको पवन, इनको सिराको पवन कहा जाता है। इनके क्षेत्रीय नाम भी हैं, अलग अलग देश में या अलग अलग क्षेत्र में इन सिराको पवनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ट्यूनीशिया में इन्हें चिली कहा जाता है। ट्यूनीशिया में इन पवनों को, जो पवनें यहाँ से चलती हैं, इनको चिली कहा जाता है। अगर लीबिया में बात करें, लीबिया में क्या कहा जाता है, तो लीबिया में इन्हें गिबली कहा जाता है, गिबली। और मिस्र या इजिप्ट में, मिस्र में खमसिन पवनें कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि रक्त वर्षा किन पवनों के कारण, इटली में रक्त वर्षा किन पवनों के कारण होती है, तो हम सीधा से जवाब देंगे सिराको पवनों के कारण। अब आप लोग सोच रहे होंगे मोरक्को और अल्जीरिया के पवनों के बारे में हम लोग क्यों नहीं चर्चा किए, तो ध्यान रहे कि ये एटलस पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से जो हवाएँ चलती हैं वो एटलस पर्वत से टकरा जाती हैं और ये रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए इनकी चर्चा हम नहीं किए हैं। अब समझते हैं कि रक्त वर्षा कैसे होती है। सहारा मरुस्थल है, यहाँ से हवाएं रेत को अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं। बहुत ज़्यादा रेत इन हवाओं में होता है और ये भूमध्य सागर में जब पहुँचती हैं तो यहाँ नमी मिल जाती है। सागर में पानी है और हवाओं में नमी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, और जैसे ही ऊपर पहुँचती हैं, ऊपर पहुँचने से एक तो हवाओं में बालू या रेत है और नमी भी है, और ऊपर पहुँचने से तापमान में गिरावट आई तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ी, और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ी तो संघनन हुआ, और संघनन हुआ तो वर्षण होगा। तो ये जो है यहाँ इटली के आसपास जब पहुँचती हैं तो इनके तापमान में गिरावट आती है और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है और संघनन होता है। इस कारण यहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में रक्त वर्षा देखने को मिलती है। अब कारण क्या है कि ये बारिश जो होती है इसमें बालू के कण मिले होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, तो काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो ये प्रवृत्ति के आधार पर इन्हें रक्त वर्षा कहा जाता है। जैसे आप लोग कहीं कहीं सुने होंगे कि रक्त के आंसू रोना, तो आंसू में रक्त नहीं होता है, बस वो दुख बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको रक्त के आंसू कहा जाता है। तो इसी तरह से ये बारिश जो है प्रवृत्ति के आधार पर हानिकारक है, इस कारण रक्त वर्षा। और इस बारिश की बूंदों का रंग थोड़ा बहुत लाल भूरे रंग का होता है, इस कारण भी इन्हें रक्त वर्षा या ब्लड रेन कहा जाता है। तो हम समझ गए हैं कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि इटली में रक्त वर्षा कैसे होती है। अब सामान्य कंडीशन देखते हैं कि रक्त वर्षा के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। देखिए यहाँ से समझते हैं, रेगिस्तान होना चाहिए या कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ बालू अत्यधिक हो, वहाँ से हवाएं चलती हों, और बीच में कोई जलराशि होनी चाहिए जहाँ से हवाओं को नमी मिल सके, और ऊपर हम कहें ठंडा प्रदेश होना चाहिए या ऊंचाई होनी चाहिए जहाँ संघनन हो सके, अर्थात तापमान में गिरावट आए। तो ये कंडीशन रक्त वर्षा के लिए होती है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस इटली के उदाहरण से समझ गए होंगे कि रक्त वर्षा क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।